सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग श्याम पट पर देख पा रहे हैं, मैंने लिख के रखा है चांद का कुर्ता। तो आज मैं आप लोगों को जो कविता पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है चांद का कुर्ता। ये हमारे टर्म 2 के सिलेबस का पहला चैप्टर है, ठीक है। ये एक कविता है जिसके कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये एक बहुत ही फेमस हिंदी के पोएट हैं और इन्होंने इस कविता के माध्यम से कह सकते हैं कि चांद में एक बच्चे की कल्पना करके उसका जो रूप बदलता है, जैसे हम लोग साइंस में फेजेस ऑफ मून पढ़ते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को एक कविता के माध्यम से उसके एक फनी साइड को हमारे सामने लाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो एक दिन चांद जो है अपने माँ से हट करता है, जिद करता है, बोलता है कि सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। जिद करके क्या बोलता है, माँ तू मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला, झिंगोला यानी कि जैसे मजिशियंस पढ़ते हैं ना, वैसे रोब की तरह एक ड्रेस जो है, मुझे मोटा सा ऊन का एक झिंगोला जो है तो बना दे, ठीक है। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बोलता है जब मैं रात भर, चांद तो भाई रात को ही आता है, तो कहते हैं कि जब मैं रात भर मतलब घूमता हूँ तो सन सन करके ठंडी हवा चलती है और जाड़े से, जाड़े यानी विंटर के जो का जो चिली मौसम है, मैं उससे मर जाता हूँ। कैसे मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर, एकदम हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, दिस इज कॉल्ड ठिठुरना, इस प्रकार से शिवरिंग टाइप ऑफ जो कोल्ड होता है, जैसे आजकल चिली चिली सा एक मौसम है, तो बोलते हैं कि मैं ऐसे ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ, बहुत मुश्किल होती है मुझे। बच्चे की सुन बात कहाँ माने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। तो उसकी माँ बहुत देर से चांद की बात सुन रही है, चांद की माँ उस बहुत देर से उसकी बात सुन रही है और कह रही है, हाँ हाँ बेटा तू मेरा सलोना है, तू तो अनोखा है, तुझे कोई जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको मैं देखा करती हूँ। माँ कहती है, हाँ भाई जाड़े की बात, सर्दियों की बात तो खैर बहुत सही कही तुमने, तुमको एक कुर्ता सिलवा ही देते हैं क्योंकि तुम तो ठंडी में घूमते हो, लेकिन तुम्हारे किसी भी ड्रेस को बनवाने के लिए मुझको तो उसका नाप, उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो मैं भला तुम्हारा मेजरमेंट कैसे लूँ। तुम्हारा मेजरमेंट लेने के लिए तुमको कभी ना कभी आके तो अपना मेजरमेंट मुझे देना होगा, लेकिन तुम तो कभी भी एक साइज में होते ही नहीं हो। बात तो भाई सही है, चांद का तो साइज डेली चेंज होता है, आज अगर पूर्णिमा है तो कल से वो थोड़ा थोड़ा कम होता 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 हुआ एक दिन अमावस्या आ जाएगा, अमावस्या के बाद फिर से क्रेसेंट मून आएगा, फिर धीरे 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 पूर्णिमा तक आ जाएगा। तो माँ तो सही कहती है कि मैं तुमको डेली अलग अलग नाप में देखती हूँ तो मैं क्या समझूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कहती है कभी किसी दिन एक उंगली की तरह चौड़ा हो जाता है तो कभी एक फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बहुत बड़ा हो जाता है तो किसी दिन एकदम छोटा हो जाता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखला ही पड़ता है। और इस घटने बढ़ने, घटना मतलब कमना बढ़ना यानी कि बढ़ना, तो इस कमने बढ़ने के सिलसिले में एक दिन तो कभी ऐसा भी हो जाता है जो जिस दिन तो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब अमावस की रात जब न्यू मून नाइट होता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ कहती है अब तू बोल किस दिन मैं तेरा मेजरमेंट लूं कि जिस दिन का मेजरमेंट लेने के बाद उस नाप का ड्रेस तेरे को डेली आए, वैसा वाला डे तेरा कौन सा है बता। तो
ये चांद का जो घटता बढ़ता हुआ रूप है, इसके बारे में बेसिकली ये आप लोग जानते हैं, थर्ड लैंग्वेज की किताब है, बच्चों की किताब है, तो बच्चों को उसको बताना कि हाँ चांद डेली एक ही जैसा नहीं रहता है, इस प्रकार से इस कविता को लिखा गया था। लेकिन ये है बड़ी इंटरेस्टिंग और इसको पढ़ने का रिदम भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है इसको पढ़ना। तो विद्यार्थियों इसको पढ़िए, नहीं समझ में आए तो पूछिए ज़रूर। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ट्राई करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।